हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास स्वागत करता हूं आपका हमारे इस YouTube चैनल में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं लेजेंडरे पॉलिनोमियल्स की। लेजेंडरे फंक्शन, लेजेंडरे पॉलिनोमियल एक स्पेशल टाइप का फंक्शन है जो कि गेट, नेट एग्जामिनेशन, कंपटीशन एग्जाम्स में बेसिकली पूछा जाता है। उसके अंदर क्या दिया होता है, बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में आज हम बात करेंगे, ताकि इस दो या तीन जो फॉर्मूले आपको मैं बताऊंगा उसकी हेल्प से आप उसके अंदर होने वाली जो भी प्रॉब्लम्स है उसको आप ट्रीट कर सकें, उनको आप डील कर सकें। सबसे पहले बात करते हैं लेजेंडरी डिफरेंशियल इक्वेशन की। सपोज के लिए आपको इस टाइप की कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है जिसके अंदर n की वैल्यू चेंज हो रही है, n रियल हो सकता है, n कॉम्प्लेक्स हो सकता है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर आप सोल्व करना चाहोगे तो आप बेसिकली नॉर्मल तरीके से सोल्व नहीं कर सकते, इट इज वेरी कम्बरसम, मतलब इसको थोड़ा सा टफ मैनर से आपको सोल्व करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या किया गया कि फॉर पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ n, मतलब कि ये क्या आर्बिटरी वैल्यू है, आर्बिटरी वैल्यू के लिए एक जनरल सॉल्यूशन निकाला गया है डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब सपोज कि ये एक सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब सीधी सी बात है कि इस इक्वेशन के दो सॉल्यूशन होंगे। सपोज वो दो सॉल्यूशन है y1x और y2x, दोनों के दोनों सॉल्यूशन लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। और अगर मैं n की वैल्यू एक पर्टिकुलर फिक्स कर दूं, नेचुरल नंबर फिक्स कर दूं फाइनाइट, तो इनमें से y1 या y2 एक n डिग्री का पॉलिनोमियल होगा। उस जो n डिग्री का पॉलिनोमियल होगा उसके अंदर रिस्ट्रिक्शन लगा करके हमें जो पॉलिनोमियल मिलेगा उसे हम कहते हैं लेजेंडरे पॉलिनोमियल, और उसे हम डिनोट करते हैं Pnx से, उसकी नोटेशन है ये Pnx। अब इस इक्वेशन के सॉल्यूशन को हम हर बार ड्राइव करने से अच्छा है कि हम इसके लिए एक जनरल फॉर्मूला बना लें, और इस जनरल फॉर्मूले को हम इस तरीके से याद कर सकते हैं कि वो जो इन दोनों में से जो एक सॉल्यूशन आएगा, एक n डिग्री का पॉलिनोमियल आएगा, उसकी फॉर्म ये होगी। फॉर पर्टिकुलर वैल्यू, मतलब कि यहाँ जो हम n पुट करेंगे, यहाँ एक n पुट करके हम एक पॉलिनोमियल को ड्राइव कर सकते हैं इसकी हेल्प से। वो जो पॉलिनोमियल होगा वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा, जिसे हम कहते हैं लेजेंडरे पॉलिनोमियल। ठीक है, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं गेट के अंदर, वो हम थोड़ी सी डील करेंगे उसके बाद में। और इसके आगे ही एक फॉर्मूला है, इसको याद करने के लिए आप इसकी भी हेल्प ले सकते हो, इसे कहते हैं हम जनरेटिंग फंक्शन। जनरेटिंग फंक्शन में क्या करते हैं कि इस दिस साइड को दिस साइड के इक्वल लिख लिया, अब हम इसको जब बाइनोमियल एक्सपेंशन से एक्सपेंड करते हैं, जब टी के कोफिशियंट्स होते हैं वो कॉरेस्पॉन्डिंग लेजेंडरे पॉलिनोमियल हमें देंगे। सपोज कि हमें एक टी का जो कोफिशियंट होगा और टी स्क्वायर का कोफिशियंट होगा, टी क्यूब का कोफिशियंट होगा, यहां कुछ कोफिशियंट होंगे, वो हमें किसकी वैल्यू देंगे, पी नोट एन की, पी नोट एक्स की, यहां पे भी एक टी का कोफिशियंट होगा, पी नोट एक्स वन टी स्क्वायर, मतलब यहां टी स्क्वायर का कोफिशियंट जो कंपेयर करने पे यहां जो वैल्यू आएगी वो हमें पी वन एक्स की वैल्यू देगी, यहां पे जो टी का कोफिशियंट कंपेयर करने पे आएगी वो हमें पी नोट एक्स की वैल्यू देगी। अब ये पी नोट, पी वन, पी टू या पी थ्री एक्स है, ये है क्या, ये एक पॉलिनोमियल है एन डिग्री का पॉलिनोमियल। वो एन डिग्री का पॉलिनोमियल इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है उसी एन वैल्यू के लिए जो वैल्यू हमने एन यहां से कंपेयर करके ली है। तो अब इस पे क्वेश्चंस की बात कर देते हैं। इसके ऊपर ये तीन फॉर्मूले हैं, ये तो एक बेसिक कंसेप्ट है, ये दो फॉर्मूले हैं, इन दो फॉर्मूलों की हेल्प से आप इनसे आने वाले लेजेंडरे पॉलिनोमियल पे आने वाले क्वेश्चन आसानी से सोल्व कर सकते हैं। चलो एक क्वेश्चन देख लेते हैं। सीधा क्वेश्चन जो गेट के अंदर पूछा गया था 2006 में, वो कुछ इस टाइप का था। फॉर द क्वेश्चन, फॉर द nth लेजेंडरे पॉलिनोमियल Cn इसके अंदर उन्होंने क्या पूछा था, Cn की वैल्यू पूछी थी और ऑप्शन दे रखे थे आपको ये 1/2n(n)n, बी ऑप्शन था n(2n), सी था n(2n) एंड डी ऑप्शन था 2^(n)). अब दोस्तों ये चीज देखी जा सकती है कि अगर आपको रोडरिक फॉर्मूला याद है लेजेंडरे पॉलिनोमियल से रिलेटेड, ये एक या दो ही फॉर्मूले हैं जो मेन है मैक्सिमम, तो इसकी हेल्प से आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो सी एन की वैल्यू है यहां से अगर रिलेट करोगे तो ये सारी चीज सेम है। जो सी एन की वैल्यू है यहां से आप देख सकते हो कि ये आ रही है जो कि पहले ऑप्शन में हमें दिख रही है। तो ये सीधा ऑप्शन था जो उन्होंने सीधा क्वेश्चन पूछ रखे थे, मतलब इनके पास है ही नहीं, ये क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड ज्यादा नहीं बन सकते इसके ऊपर। ठीक है, अब इसके ऊपर एक और जो जनरली हम यूज करते हैं उसके ऊपर थोड़ी बात कर लेते हैं।
वो है पी वन एन की वैल्यू। मतलब कि बेसिकली हमें देखने को मिलता है कि फाइंड पी एन वन की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसके लिए क्या मैंने बताया था आपको कि इसको एक्सपेंड करते हैं, तो इसके बाद जो टी के कोफिशिएंट होते हैं हमें कोरिस्पोंडिंग पॉलिनोमियल्स की वैल्यू दे देते हैं। अब पी एन वन की वैल्यू चीज का मतलब क्या है कि एक्स की वैल्यू वन होगी। अगर मैं दोनों साइड एक्स की वैल्यू वन पुट कर दूं और उसके बाद इसका एक्सपेंड कर दूं, तो उसके बाद हमारे पास पी एन वन की वैल्यू आ जाएगी ना। तो यहाँ पे अगर मैं एक्स की वैल्यू वन पुट कर दूं और एक्स की वैल्यू यहाँ पे भी पुट कर दूं वन, तो हमारे पास बनेगा वन माइनस टू टी प्लस टी स्क्वायर माइनस वन बाई टी समेशन ऑफ पी एन वन और टी टू द पावर एन। ठीक है, अगर अब देखा जाए तो 1 माइनस टू टी प्लस टी स्केयर हो गया 1 माइनस टी की होल स्केयर, तो उससे 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस टी की माइनस वन। और इसको अगर मैं एक्सपेंड कर दूं तो ये क्या बनेगा, टी की पावर एन है, एन की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी वेरी कर रही है। इसको अगर थोड़ा सा और लिखना चाहो तो यहाँ से 0 से इन्फिनिटी लिख सकते हो। 0 जब वैल्यू मैंने पुट करी तो ये आया पी नोट वन प्लस पी वन वन टी प्लस पी टू वन टी स्केयर एंड सो ऑन। अब इसको भी बायनोमियल एक्सपेंशन से अगर मैं एक्सपेंड कर दूं तो 1 प्लस टी प्लस टी स्केयर प्लस टी क्यूब एंड सो ऑन, और साइड में ये चीज है ही पी नोट वन सॉरी एंड सो ऑन। अब कंपेयर करते हैं हम वैल्यू पी नोट, यहाँ पे है टी नोट, टी नोट का कोफिशिएंट क्या है वन है, पी वन टी सॉरी यहाँ पे वन था वन और यहाँ पे था टी, टी का कोफिशिएंट क्या था पी वन टी, तो इसका कोफिशिएंट टी का यहाँ पे वन है। सिमिलरली इधर टी का स्केयर का टी स्केयर का कोफिशिएंट क्या है वन और यहाँ पे टी स्केयर का कोफिशिएंट क्या है पी टू वन। अब यहाँ से जनरल अपने पास एक रिजल्ट निकल गया कि पी वन एन की वैल्यू हमेशा ही वन आ रही है, वो हमने कहाँ से ड्राइव कर लिया रोड्रिक जनरेटिंग फंक्शन से। तो इसी तरीके से कोई भी आपके पास प्रॉब्लम आती है तो आप इन दो फॉर्मों की हेल्प से लेजेंडर इक्वेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। होपफुली इसके अंदर तो यही था, ये दो फॉर्म नहीं है जो इनफ है आपके लेजेंडर इक्वेशन के लिए इसको स्टडी करने के लिए। फर्दर इसके अंदर अगर आपको ये हेल्पफुल लगी है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने सुजेशन हमें देते रहिए। थैंक यू।